हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी किचन से मिथिलेश भदौरिया। आज मैं देखिए ये हरी मूंग रात भर पानी भिगो के रखी थी, और ये हरी मूंग और ये देख लिए ये चना, इनका दोनों को मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। टी टाइम के लिए तेल का आइटम हम लोग कम पसंद करते हैं, इसलिए सैलेड टाइप का बनाएंगे। कभी कभी इसका हम कच्चा बनाते हैं, आज थोड़ा कई दिनों से कच्चा खा रहे थे तो आज थोड़ा बॉयल करके खाने का बनाएंगे। अब आप देखिएगा हम इसको कैसे तैयार करते हैं। ये मेरी गैस ऑन हो गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल है ये, ज़्यादा डालना ठीक नहीं। ये अब आप सभी लोग बताइए हमें कि कौन कौन से लोग हैं जो तेल कम खाते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए सबसे तेल कम कैसे खाते हैं आप लोग, कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा ऑयली सब्जी खाते हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो ऑयल कम पसंद करते हैं। अब जैसे हम लोग तो ऑयल बिल्कुल नहीं खाते, ये मजबूरी है, थोड़ा वीडियो भी बनाना होता है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल जीरो ऑयल का खाना पसंद करती हूँ। देखिए मैंने एक चम्मच ये मेरा तेल देखिए हो गया है, ये ऐसे हाथ लगाइए अगर हीट आ रही है तो इसका मतलब तेल हो गया है। ये देखिए ये मेरा जीरा है, अब ये देखिए ये जीरा हो गया है। अब ये है प्याज, मेरा जीरा हो जाएगा इसके बाद में। इसमें ये प्याज मैंने इस तरह से काटा है, आपका मन हो तो आप लच्छे वाला काटिए, लेकिन मैंने छोटा वाला काटा है। ये देखिए जीरा तड़क रहा है, इसको मैंने डाल दिया। अब इसी समय अब इस प्याज को हम हल्का गुलाबी भून लेते हैं, क्योंकि तेल मेरे कम पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और क्या करते हैं, मिर्चा जो है हम टुकड़ों में नहीं काटते हैं, इसलिए ना कि अगर मान लो नहीं पसंद आया तो उतना बड़ा सा निकाला और फेंक दिया। ये देखिए लेकिन डालते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा हो जाता है। मैं काली मिर्च डाल देती हूँ, ये देखिए काली मिर्च फायदा भी करती है। अब इसमें हम डालेंगे ये मेरा चना जो बॉईल किया हुआ, कल शाम को मैंने इसको भिगो दिया था पानी में, अब अभी हल्का सा गर्म पानी में डाल के निकाल लिया है। अब ये इसी समय मूंग भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पीछे मेरे लान में करी पत्ता का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, तो एक डाल तोड़ के मैं इसमें पानी में डाल के रख लेती हूँ। बस इसी जगह जैसे जरूरत पड़ी यहाँ से तोड़ा यहाँ डाल दिया। करी पत्ता भी बेहद आवश्यक होता है सब्जियों में और इस नमकीन नाश्ते में। अब थोड़ा सा नमक हम इसी समय ऐड कर देंगे जिससे ये जल्दी से गल जाए थोड़ा सा, बाकी बाद में टेस्ट के बाद। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च डालिए, कि मेरे यहाँ लाल मिर्च थोड़ा कम सब लोग पसंद करते हैं, ये भी ये चाय के साथ चलेगा इसलिए कम पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों इसको ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए मैंने ये देखिए मैंने इसमें शिमला वो डाली है बीन्स, और ये देखिए ये थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डालते हैं कि थोड़ा पौष्टिक हो जाए। और अगर आपके पास दलिया हो तो दलिया भी डालिए, बहुत अच्छी लगती है। पहले दलिया उबाल लीजिए, इसके बाद ये सब कुछ मिक्स करके बनाइए, और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही पौष्टिक, क्योंकि आजकल ना ये चाइनीज फूड से या फास्ट फूड से पौष्टिकता ख़त्म हो गई है, तो आपको हमको तो इसी तरह से कुछ करके दिखाना है और करके ज़बरदस्ती खिलाना है इन लोगों को, बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाना है। ये देखिए मैं बहुत छोटा छोटा कद्दूकस कर दूंगी, मेरा पोता कहता है कि कड़वाता है ये, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सर्दी जुकाम में भी फायदा करेगा और खाने में भी अच्छा रहेगा। ये देखिए अब इसको हम सब मिक्स कर देते हैं। ये अब इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, नहीं तो देखने में बहुत अच्छी लगती है।
ये। अब आप जानते ही हैं शिमला मिर्च में ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पका पकाया ही होता है। ये देखिए, बस 5 मिनट और, 5 मिनट में ये पकता है। तब तक हम इसको ढक देते हैं। ये मेरा शिमला मिर्च रखा हुआ, मैं शिमला मिर्च और बीन्स ज़रूर घर में रखती हूँ कुछ न कुछ बनाने के लिए। अब देखिए हम थोड़ा सा टमाटर भी काटेंगे आधा, जो अभी डाल रहे हैं बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन चुका है। ये देखिए, ये अब बन गया है। मैं इसको इस पर थाली में सजाती हूँ। अब देखिएगा, ये प्लेट है, गैस पे हम निकाल के लगा रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और आप खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है ये। हम तो दूसरे तीसरे कभी कभी कच्चा बनाते हैं, मैं कच्चा भी बना के आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये बन गया है। अब ये मैंने तेल नहीं डाला हुआ है, आपने देखा है। अब अगर आपको टमाटर पसंद है तो थोड़ा सा डाल दीजिए ऐसे, नहीं पसंद तो मत डालिए, जैसा एज यू लाइक, ये आपकी पसंद पर है, ठीक है। ये आप जैसा पसंद करें वैसा खाएं। तीखा पसंद है तो ये देखिए मैंने मिर्च भी रखी है ना। और अगर आप खट्टा भी खाते हैं तो ये इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए ऐसे करके। ये देखिए बीज आ गया, नींबू डाल दीजिए, या इमली की चटनी हो तो वो डाल दीजिए, टमाटर की चटनी हो तो वो डाल दीजिए। और इसके बाद ये देखिए, ये इसको आप डेकोरेट कर दें, डेकोरेट कर दें। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। बाजार दौड़ के जाने से, वहाँ की चाट खाने से क्या फ़ायदा, देखिए वो नुकसान भी अलग करती है। ये देखिए घर की चीज़ है और कितनी फ़ायदेमंद है, ये आप देखिए। पहले आयरन विटामिन से भरपूर, कैल्शियम आयरन विटामिन सबसे भरपूर, डायबिटीज़ बीपी कुछ भी, ये आप डेली खाइए। मैं तो सुबह कच्चा अपने बच्चों को देती हूँ, ये चना अंकुरित करके, मूंग अंकुरित करके, साथ में लोबिया अंकुरित करके, उसी में सेब और संतरा ये सारे फल काट के और काली मिर्च डाल के। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च ऊपर से डाल दीजिए, ये इसका स्वाद और अलग अच्छा लाता है। ये देखिए काली मिर्च डाल दीजिए। बहुत लोग दही डाल के खाते हैं, लेकिन देखिए शाम को टी टाइम दही नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए, आपको अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मैं लखनवी किचन से मिथिलेश भदौरिया।